हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रिया टॉक्स। आज मैं फिर से आपके लिए नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, लेकिन जब हमने क्वेश्चन का रिजल्ट देखा, यहाँ पे बच्चों के आंसर देखे, तो मैं हैरान रह गया। काफ़ी बच्चों ने गलत जवाब दिया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगर ए का 30% बराबर बी का 50% है तो ए अनुपात बी कितना होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों ने जो इसको करने की अप्रोच गलत अपनाई और बच्चों का आंसर गलत आया। तो मैंने सोचा कि अगर आप ऐसी जो गलती एग्जाम में ना करें, इसके लिए आपको जो है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने लिख दिया है ए का 30% बराबर है बी का 50%। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप लिखोगे ए मल्टीप्लाई 30%। ओके, 30% यानी 30/100। ओके, इसके इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी के 50%, यानी बी मल्टीप्लाई 50/100। ओके, देखिए सामने से 100 से 100 कट जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन दे गई है ए इंटू 30 का मान किसके इक्वल है, बी इंटू 50 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखिए ए और बी को आप लेके आइए रेशियो में, ए रेशियो बी। देखिए यहाँ पे बी जो है मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/30। इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ए अनुपात बी आपके पास फाइनली आ जाएगा 5:3, जो कि यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। और जो आपका ऑप्शन बी था, यहाँ पे 5:3 सही होगा। काफ़ी बच्चों ने गलत दिया, मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को वापस आपको सॉल्यूशन कराना चाहिए। एग्जाम में ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे। और आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैथ्स रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आएंगे आपके लिए और आपको डेली प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।